अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज का जो वैकेंसी होगा वो डिलीवरी ड्राइवर का है। तो आज का जो जॉब है ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला है ये वीडियो। और जो डिलीवरी ड्राइवर के जॉब में जाना चाह रहा है बाहर, मतलब जो सोच रहा है कि डिलीवरी ड्राइवर का काम हो तो उसमें मैं जाऊँगा, तो उन लोग के लिए है, आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में ज़्यादातर क्या हो रहा है कि जो डिलीवरी ड्राइवर का काम होता है वो जो मतलब कंपनी जो लेती है वो डायरेक्टली उनका वीजा नहीं होता है। 90% आज के डेट में, 95% पकड़ लें कि जितना भी डिलीवरी ड्राइवर में जा रहे हैं वो सप्लायर कंपनी में जाते हैं पहला, मतलब उनका जो वैकेंसी वीजा लगता है वो सप्लायर कंपनी का लगता है, जो रेंटल कंपनी बोलते हैं वीजा उनका लगेगा। फिर वो लोग जाएंगे वहाँ पे कंपनी में पहुँचेंगे, फिर उनका इकामा लाइसेंस ये सारा चीज़ बनने के बाद में फिर वो ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस में कम से कम महीना डेढ़ महीना तक चले जाता है, ठीक है। लेकिन आपको जो ड्यूटी बताया जाएगा, जो काम बताया जाएगा, जो सैलरी बताया जाएगा, जो कमीशन बताया जाएगा, जो भी फैसिलिटी बताया जाएगा वो आपको मिलता है। लेकिन बहुत से कंपनी क्या, बहुत से जो कैंडिडेट होते हैं जो रिटर्न एक टाइम हो जाते हैं वो मतलब ज़्यादा दिमाग लगाते हैं ना, उनको जानकारी ज़्यादा हो जाता है, तो वो लोग मतलब बहुत से पूछते हैं कि हमको ऐसा काम चाहिए कि मतलब जिस कंपनी में हमको जॉब करना है वीजा भी उसी कंपनी का लगना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो ये वीजा, ये जो जॉब है ये आपके लिए है। क्योंकि ये जो डिलीवरी ड्राइवर का काम है, आप जिस कंपनी में जाएंगे आपका वीजा पासपोर्ट पे उसी कंपनी का लगेगा, यानी स्पॉन्सर आपका वही होगा, ठीक है। और जो मतलब वैकेंसी डिलीवरी ड्राइवर के बहुत सारे बंदे जा चुके हैं और जा भी रहे हैं, अभी डिलीवरी ड्राइवर का बहुत सारा काम जो चल रहा है। तो मतलब कुछ कंपनी ऐसा होता है कि वो जैसा महारा हो गया और समास्को हो गया और मतलब ऐसा बहुत सारी कंपनी है, तो मतलब उनका जाने के बाद में फिर ये सारा डॉक्यूमेंट रेडी होगा, उसके बाद में आपको जिस कंपनी के लिए बुलाया गया था, जिस चीज़ का आपका एग्रीमेंट बना था, उस कंपनी में फिर मूव करते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में आपको पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ, और इसके अंदर क्या जॉब होगा, सैलरी क्या रहेगा, कमीशन क्या मिलेगा पर डिलीवरी पे, और उसके बाद में और वीजा किस कंपनी का लगेगा, ये सारा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग का बहुत से बंदे सोचते हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ यार और मेरा जो है ना मतलब सिलेक्शन नहीं होता है, रिप्लाई नहीं मिलता है, और फ़ोन करते रहते हैं फ़ोन नहीं उठता है, और ऐसा बहुत सारा कमेंट करके जाते हैं। तो जो चीज़ आप फ़ोन ज़्यादातर 90% बंदे जो फ़ोन करते हैं वो इसलिए फ़ोन करते हैं, थोड़ा सा टाइटल देखेंगे उसके बाद फ़ोन करेंगे, उसके बाद में बोलेंगे ये काम है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, सारा जानकारी उनके पीछे टाइम अपना वेस्ट करने के बाद में डॉक्यूमेंट भेजेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, फिर बोलेंगे हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो गया हम यहाँ नहीं जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब सिलेक्शन आप लोग का हो जाता है और फिर आप जब कैंसिल करते हैं ना, तो वहाँ पे बात कंपनी से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसके वजह से मैं आप लोग से बोलता हूँ कि जो भी जानकारी चाहिए आप वीडियो देखो, वीडियो के अंदर मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ, इसके वजह से वीडियो लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि एक एक बंदे को मैं फ़ोन पर सारा डिटेल बताते रहूँ, आप वीडियो देखो सारा चीज़ आपको जानकारी यहाँ मिल जाएगा। आप इंटरेस्ट हो, आपको ये लगे कि हाँ मुझे जेन्युइनली जॉब के लिए जाना है, जब भी आप कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है। और इसके वजह से मतलब पूरा वीडियो आप लास्ट तक बने रहिए अगर आपको डिलीवरी ड्राइवर का जॉब सर्च कर रहे हो। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सऊदी अरब के अंदर एक कंपनी है, ठीक है, जो कंपनी का नाम है सिरका मरासी, ठीक है। आप गूगल करोगे तो आपको आ जाएगा। इस कंपनी को डिलीवरी ड्राइवर का रिक्वायरमेंट है, इसको 50 डिलीवरी ड्राइवर चाहिए जिसका वीजा इसी कंपनी का लगेगा, इसी सरीका का लगेगा, ठीक है। और इसमें जो भी बंदा अप्लाई करेगा उसको कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। और पहले अगर आपका जाना है तो आप डॉक्यूमेंट जैसे सब बोलूँगा वो ध्यान से सुनो, वो हिसाब से रेडी करके आपको डॉक्यूमेंट भेजना है। आपका डॉक्यूमेंट आते ही आपका जो सर्विस चार्ज होगा जाने के लिए, जो भी खर्चा वर्चा जाता है वो आपको बता दिया जाएगा। अगर आप एग्री होते हैं तो आप ओके करिए, ठीक है। नहीं तो आप अपना डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने से पहले जो भी पूछना है पूछ लो, क्योंकि पूछना क्या रह जाता है, सारा डिटेल मैंने तो वीडियो के अंदर बता देता हूँ। आपको बस यही कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें जानने के लिए खर्चा वर्चा क्या जाता है और बाकी कैसा कॉन्टेक्ट करना है, कहाँ मिलना है, कहाँ मिलाना है, सारा डिटेल मैंने वीडियो के अंदर ही देने वाला हूँ। तो अगर आपको जेन्युइनली जाना है तो 2-4-5 मिनट टाइम निकाल के वीडियो पूरा अच्छे से देख लो, ठीक है। सारा चीज़ मैंने यहीं पर समझा दूंगा, बस आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि आप डॉक्यूमेंट जब भी डालना, जब आप एकदम से सर्टिफाई हो कि हाँ मुझे इसमें जाना है, अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो मैं कोई भी बहाना नहीं करूँगा कि मुझे कैंसिल करना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो डिलीवरी ड्राइवर का काम है उनका डिलीवरी ड्राइवर का सैलरी है 1600 सऊदी रियाल प्लस आपको कमीशन होगा, यानी पर डिलीवरी पे अलग से आपको कमीशन देगा। ये आपका बेसिक सैलरी 1600 है और कमीशन का जो होगा वो मतलब आप जितना दूर पे आप डिलीवरी जाएंगे, दिन भर में कितना डिलीवरी करते हैं उसके हिसाब से आपको
कमीशन दिया जाएगा। और आपका इसके अंदर ड्यूटी 8 घंटे का है, 8 ही 8 घंटे के अंदर ही जो भी आप डिलीवरी करते हो वो करना है, उसके बाद में पर डिलीवरी पे आपको कमीशन भी आएगा। और अगर कंपनी 8 घंटा के बाद में, ये तो कंपनी का ड्यूटी है 8 घंटा, 8 घंटे के बाद में आप अगर जो ओवर टाइम होता है तो इसमें ओवर टाइम वाला सिस्टम नहीं है, 8 घंटे के बाद में अगर आप काम करना चाहोगे कंपनी बोलेगा। अब ये चीज वहां जाने के बाद ही क्लियर होगा कि 8 घंटे के बाद में अगर हम डिलीवरी करते हैं तो अगर हम 10 किलोमीटर के अंदर एक डिलीवरी करता हूं तो मुझे उस डिलीवरी का कितना पैसे मिलेगा, 5 रियाल या 10 रियाल या 20 रियाल, ठीक है। ये चीज अब कंपनी में जाएंगे जब ये क्लियर होगा। तो आप अगर आप 8 घंटे के बाद काम करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप छुट्टी करके आप रूम में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 हफ्ते में छुट्टी होगा, छुट्टी के दिन जो काम करेंगे वो आपको अलग से आएगा। अब ये सारा चीज़ अगर आप पूछोगे हमको कितना कमीशन मिलेगा एक डिलीवरी पे, तो ये सारा चीज़ कंपनी में जाने के बाद ही आपको पता चलेगा, लेकिन कमीशन कंफर्म 100% है। इसके अंदर अगर आप जाते हो तो सैलरी आंख बंद करके आपका 2000 से 2500 रियाल कहीं नहीं जाएगा डिलीवरी ड्राइवर में, ठीक है। और ड्यूटीज के अंदर 8 घंटा है, बेसिक सैलरी 8 घंटे का 1600 है प्लस कमीशन है, और खाना आपको इसी में खाना है, और कंपनी जो है वो देगी आपको रूम, गाड़ी, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइसेंस, इकामा, मोबाइल, ये जितना फैसिलिटी होता है सब कंपनी देगी अपने पास से। 1 हफ्ते के दिन छुट्टी होगा, और उसके बाद में ये 2 साल का एग्रीमेंट है, 2 साल में जब आप इंडिया आएंगे छुट्टी पे तो आपको आने जाने का दोनों साइड का टिकट दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में इसके अंदर जाने के लिए अगर आप इस जॉब में जाना चाह रहे हो, अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आपका पासपोर्ट तो पहला फर्स्ट ACNR होना चाहिए, और उसके बाद में आप सऊदी रिटर्न होना चाहिए, सऊदी का आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए, आपका लाइसेंस चाहे एक्सपायर हो गया हो और चाहे फोटोकॉपी ही हो, यानी लाइसेंस का होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आपके पास में लाइसेंस है। अगर ये सारा चीज है जब भी आप डॉक्यूमेंट भेजना और जब भी कॉन्टेक्ट करना, बहुत से बंदे होते हैं फ्रेश होते हैं फिर भी वो अप्लाई करने लगते हैं, फोन करने लगते हैं, तो इसके वजह से रिप्लाई थोड़ा आने जाने में कंफ्यूजिंग हो जाता है, बहुत सारा मैसेज भर जाता है कि समझ में नहीं आता किसका कहां गया मैसेज। इसकी वजह से बोलता हूं, जब आप वैकेंसी देखो आपको समझ में आता है कि हाँ हमारे लायक जॉब है तो आप कॉन्टेक्ट करिए। अगर आपके पास में सऊदी लाइसेंस नहीं है और या आप फिर से फर्स्ट टाइम डिलीवरी ड्राइवर में जाना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर मैंने वैकेंसी ऑलरेडी, अभी काम चल रहा है और मैंने वैकेंसी ऑलरेडी अपलोड किया हुआ हूँ। आप चैनल पे जाओ वीडियो वाले पेज में और वहां पे जाके आप वैकेंसी चेक कर सकते हैं जो फ्रेशर मैंने साथ साथ लिख दिया हूँ, फ्रेश डिलीवरी ड्राइवर जॉब, ठीक है। तो आप उस वीडियो अपना वॉच करिए, उसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो 1600 सैलरी, ड्यूटी 8 घंटा प्लस कमीशन, 8 घंटे के बाद अलग से आपको ओवर टाइम है, हफ्ते दिन छुट्टी है, 2 साल का एग्रीमेंट होगा, 2 साल के बाद आने जाने का आपको दोनों साइड का कंपनी टिकट देगी, और उसके बाद में कंपनी फैसिलिटी देगा आपको रूम रहने के लिए, इकामा, मेडिकल कार्ड, इंश्योरेंस, गाड़ी, लाइसेंस, मोबाइल, ये सारा कंपनी देगी, ठीक है। और उसके बाद में खाना आपको अपना बना के खाना होगा, और इस जॉब में अप्लाई करने के लिए आपका इंग्लिश आना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। यानी अगर आप कोई भी चीज डिलीवरी करने जाते हो, आपके फोन में कुछ ऑर्डर आता है तो आप पढ़ लो कि हाँ ये ऑर्डर आया हुआ है, और सामान आप लेते हो तो उस लोकेशन पे जाके आप डिलीवरी कर सको। सामान में क्या लिखा है, बिरयानी है या कोई पार्सल सामान है उसमें क्या लिखा हुआ है, वो भी चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आप 2 डिलीवरी लेके चलते हो, यानी 2 जगह डिलीवरी करने के लिए 2 सामान रख के आप गाड़ी में जा रहे हो, एक बॉक्स में आपका खाना है, फूड है, एक बॉक्स में कोई सामान है, फॉर मसलन आप मोबाइल पकड़ लो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये बॉक्स मोबाइल वाला है और ये खाने वाला है, इतना आपको मालूम होना चाहिए इंग्लिश, ठीक है। अगर आपके पास में इतना सारा डिटेल है अपना, ये चीज है, और अगर इसमें जाना चाह रहे हो तो आप डॉक्यूमेंट ये इसमें डालिए, इस जॉब को अप्लाई करिए, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट आएगा, आने के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा कंपनी में भेजने से पहले आपको डिटेल बता दिया जाएगा कि इसमें जाने के लिए खर्चा क्या होगा। अगर आपको सही मत है आप उसमें जाना चाह रहे हैं तो आप बोल के आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट पासपोर्ट चाहिए फर्स्ट और लास्ट पे, पासपोर्ट पे जो सऊदी का वीजा लगा है जहां से रिटर्न है उस वो पासपोर्ट का पे वो वीजा कॉपी, यानी 3 कॉपी हो गया पासपोर्ट का, और इंडिया और सऊदी का ड्राइविंग लाइसेंस, वैक्सीन का रिपोर्ट, ठीक है। और उसके बाद में एक CV अच्छे से बनाओ, CV प्रोफेशन डालो डिलीवरी ड्राइवर, और नीचे 2-3 साल का एक्सपीरियंस लिख के, और जो भी आपका एजुकेशन वो अच्छे से CV बनाओ, और ये सारा डॉक्यूमेंट आपको मोबाइल से फोटो खींच खींच के नहीं भेजना है, पहले सारा डॉक्यूमेंट रेडी करके लेके जाना है, कोई आपके यहाँ पे जहाँ देखो कंप्यूटर का दुकान हो और जहाँ पे फोटो कॉपी ओपी करते हैं उनके पास आपको जाना है, पहले डॉक्यूमेंट को स्कैन करवा लेना है, वहीं से आप CV बनवा लेना है, फिर डॉक्यूमेंट सारा रेडी करके आपको फोन के अंदर डाल लेना है। डालने के बाद में आपको यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर है उस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है कि कार डिलीवरी ड्राइवर इस कंपनी का, या तो इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको मैसेज करना इस वीडियो का वैकेंसी मैंने देखा हूँ, इसमें मैं जाना चाह रहा हूँ, इसके लिए मैंने ये डॉक्यूमेंट डाला हूँ, ऐसा आपका मैसेज आना चाहिए अगर आप इसको इस जॉब में जाना चाह रहे हो। अगर आप ये सोचते हो कि पहले जाके फोन करूँ पूछूँ तो फोन जल्दी नहीं उठ पाएगा, बहुत सारा फोन आता है, मैसेज आएगा फिर आप यही चीज पूछेंगे तो इतना सारा मैसेज आता है कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। अगर आपका मैसेज आता है डॉक्यूमेंट के साथ में तो सामने वाले को पता हो जाता है कि हाँ बंदा ये इंटरेस्टेड है, इसको रिप्लाई करना चाहिए, ये जाना चाह रहा है।
अगर डॉक्यूमेंट के साथ में आप कॉन्टेक्ट करते हो तो आपको जाहिर सी बात है रिप्लाई किया जाएगा, आपका फोन उठेगा, आपको फोन पे बताया जाएगा जो भी आप जानकारी चाहिए। ठीक है, तो आपका डॉक्यूमेंट आने के बाद में और जो भी आप जानकारी चाहिए, कहाँ मिलना है, कहाँ मिलाना है, मेडिकल कैसे होगा, ये सारा चीज सिलेक्शन होने के बाद आपको खुद दिया जाएगा। और कोई भी इसके अंदर एडवांस पेमेंट नहीं देना है। ठीक है, पहले अगर आप जाना चाहोगे तो इसके अंदर सिलेक्शन होने के बाद मेडिकल बता दिया जाएगा, आप कहीं से भी मेडिकल कर सकते हो। डॉक्यूमेंट जमा करना है, वीजा आएगा, वीजा कॉपी दिया जाएगा, आप चेक करो, सारा चीज आपको सही लगेगा, पेमेंट करो, टिकट हो जाएगा, ये है प्रोसेस। और आप लोग को एक बात ध्यान रखना है कि इस चैनल पे जो भी वैकेंसी आपको मिलता है और उस वीडियो के अंदर जो नंबर होता है उस जॉब के लिए आपको वही मैसेज करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टाफ चेंज हुए हैं। अगर आप दूसरा नंबर पे मैसेज करोगे, कॉन्टेक्ट करोगे, आपके साथ कोई भी चीज का लेन देन होगा या कोई चीज फ्रॉड होगा, उसका जिम्मेदार हम लोग नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रख के चलना है इस वीडियो के। और अगर आप किसी को पहले से अप्लाई किए हो, कोई चीज आपका रिप्लाई नहीं मिल रहा है या एडवांस पेमेंट दे के रखे हो, तो आप अबाउट वाले पेज में जाके वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा, आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टेक्ट करके सारा डिटेल में बातचीत कर सकते हैं, तो मैं आपको बेहतर अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, और कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना, चैनल अगर सब्सक्राइब करके देखो तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक यूज करते हो उसका लिंक मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ, वहाँ पे भी जाकर फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो नए जॉब के बारे में अपडेट पाने के लिए। बाकी अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले अल्लाह हाफिज़।